नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसने पूरे ही समाज को हिला के रख दिया है। आज से सभी लोग सोचते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक ऐसा खबर हो गया जिससे लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है। मेरे को लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना जरूरी है, तो ये ज्योति और आलोक मौर्य वाले जो केस है इनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। मौर्य ज्योति मौर्य जो आलोक मौर्य की वाइफ है, इनकी शादी 2010 में हुई थी और ये अभी फिलहाल SDM पद पे, मतलब इन्होंने इनको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद UPPCS के एग्जाम में 2015 में इनकी 16वीं रैंक आई थी। जैसे UPSC होता है सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन, वैसे ही एक स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं हर राज्य का। जैसे बिहार का BPSC होता है, राजस्थान का RPSC होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का होता है UPPCS, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये एग्जाम 2015 में हुआ और ज्योति मौर्य बचपन से ही काफी होनहार स्टूडेंट रहे थे, तो उनका सिलेक्शन हुआ और पूरे राज्य में 16वीं रैंक आया। उसके बाद उन्हें SDM का पद मिला और अभी फिलहाल वो बरेली में शुगर मिल में GM के तौर पे तैनात है। 2010 में इनकी शादी हुई, 2015 में ये PCS एग्जाम पास करी और 2020 से ज्योति और आलोक के बीच में टेंशन होना शुरू हो गया। टाइम देखिए, बिल्कुल 5-5 साल के गैप पे। 2010 में शादी हुआ, 15 में नौकरी लगी और 20 में तलाक होने की कंडीशन में थी, ठीक है। इनके बारे में बात कर रहे थे, ये है आलोक मौर्य, ये ग्रुप डी पंचायती राज विभाग में ग्रुप डी कर्मचारी है, ठीक है। अब इनके बीच में एक नया कैरेक्टर आ रहा है, ये मनीष ध्रुव है ना। जब भी दो के बीच में तीसरे आते हैं तो काम गड़बड़ होगा ही होगा। अब ये नया कैरेक्टर एंट्री मारते हैं इनके बीच में, ठीक, मनीष दुबे। तो जो आलोक मौर्य का आरोप है, मनीष दुबे के बारे में देख लेते हैं, ये होमगार्ड कमांडेंट है, ठीक है, यूपी में। तो मनीष दुबे का आरोप है, ये आलोक मौर्य का आरोप है कि ज्योति मौर्य का मनीष दुबे के साथ कुछ अफेयर्स चल रहे हैं, उन्होंने चेक भी वायरल किए हैं बहुत सारे, उनपे इल्जाम्स भी लगा रहे हैं, ठीक है। आपको इस टॉपिक पे तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। तो समझ में आ गया तीनों लोगों के बारे में, ये ज्योति मौर्य कौन है, ये SDM वाइफ के नाम से भी बहुत ज्यादा वायरल कर रही है, ये आलोक मौर्य जो इनका रोते धोते हुए हर जगह सोशल मीडिया में फोटो छाया हुआ है, और ये है मनीष दुबे जो इस गेम का, इनको जो भी बोले रियल हीरो बोले या रियल नायक बोले जो भी है, यही थर्ड कैरेक्टर है जो पूरे इस कंट्रोवर्सी का एंगल है, ठीक। फिलहाल इनका मैटर कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो देश में इम्पैक्ट पड़ा, ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। काफी लोग अपने वाइफ को पढ़ाते थे और फीमेल एजुकेशन के लेकर थोड़ा अवेयर हो रहे थे, लेकिन अब उनका माइंड सेट चेंज हो रहा है, क्योंकि देश में मैक्सिमम लोग होते हैं ना, देखिए माइंडसेट चेंज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 50 साल 60 साल 70 साल, इतने टाइम बाद किसी का माइंडसेट चेंज होता है। जैसे इस देश में बहुत सारी बुरी प्रथा चल रही थी, सती प्रथा चल रही थी, धीरे धीरे कम हुआ, ठीक है, चाइल्ड मैरिज चल रहा था धीरे धीरे खत्म हुआ, तो वैसे ही अब फीमेल एजुकेशन ना अब धीरे धीरे सुधर रहा था, लेकिन इसको लेकर के थोड़ा सा एक निगेटिव इमेज जा रहा है लोगों पे। अब लोग सोच रहे हैं कि पढ़ लिख जाएगी तो घर से निकल जाएगी, पढ़ लिख जाएगी तो अपने हिसाब से चलेंगे, तो इसकी वजह से जो देश में मैक्सिमम जो फीमेल स्टूडेंट है इनको बहुत बुरा सफर करना पड़ रहा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी 5 अंगुलियां एक जैसा नहीं होता, एक कोई गलत होने से पूरा समाज गलत नहीं हो जाता, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपना माइंड सेट ना चेंज करें, और आज के टाइम सोशल मीडिया का है तो कोई भी खबर ट्रेंड कर जाती है, काम ही है सोशल मीडिया का ट्रेंड कराना, इस पर ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। सो फिलहाल अभी इनका मैटर केस में चल रहा है, जो भी कोर्ट में चल रहा है, जो भी इन पर डिसीजन हो कोर्ट ही लेगा। ज्योति ने भी इनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि इनसे दहेज मांगा गया है, फॉर्चुनर मांगा गया है, और इनके आपस में वो फैमिली मैटर है, लेकिन ये जो थर्ड एंगल है ये ज्यादा ही कंट्रोवर्सी करती है, ठीक है। आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट में बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।